नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र क्लासेस में। आज हम देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न का टाइप टू और उसमें रेशियो से संबंधित जो टाइप टू में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो अगर पसंद आए और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपका। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, आपसे वर्तमान की बात पूछी गई है और पहले की अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप सबसे पहले लिखिए यहाँ वर्तमान। ठीक है, और पहले की बात कर रहा है तो पहले जाएगा आपका ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब देखिए वर्तमान जो आयु का अनुपात है अनुपात में थी, वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। कितना है? 5:7 है। ठीक है, और वो कह रहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी, तो ऊपर जाएगा 18 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 8:13 था। कितना था? 8:13 था। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। इन दोनों में कितने का है? 6 का। ठीक है, अगर अंतर अलग अलग होता है, देखिए इन दोनों में अंतर 3 का है, इनमें 6 का है, अंतर दोनों में अलग अलग है, हमें सेम अंतर करना है। आयु का कितना अंतर करना है? सेम, जो कि 18 के इक्वल होगा। तो देखिए हम सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है? 8:13 में अंतर कितना? 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें ये हो जाएगा आपका 25। नया अनुपात बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का, 5×25 और 5 का इसमें 5×7=35। तो ये नया अनुपात बन गया वर्तमान आयु का। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया? 16, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया? 26। ठीक है, ये नया अनुपात बन गया, ये पहले वाला बन गया और ये वर्तमान वाला बन गया। अब देखते हैं दोनों में अंतर, इसमें कितने का है? 9 का, और इसमें भी कितने का है? 9 का। ठीक है, तो दोनों में जब सेम रेशियो का अंतर आ रहा है तो ये 9 जो होगा वो 18 के इक्वल होगा। 9 रेशियो होगा वो कितने के इक्वल होगा? 18 के। 9 का डिवाइड देंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आपसे पूछिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान रेशियो क्या बना था? ये वाला। तो हमें इस वाले की निकालनी है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। ये तो आ गई वर्तमान आयु। अगर आपसे पूछता है कि पहले की आयु कितनी थी, तो इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32, और कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको रेशियो सेम करना है, और रेशियो सेम करने के लिए केवल यही पैटर्न है कि आप इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 5×25 5 का मल्टीप्लाई इसमें। इन दोनों का अंतर देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 8×16 और इसका मल्टीप्लाई 26। दोनों का अंतर जितना होगा सेम रेशियो, वो एक रेशियो उस वाली वैल्यू के पहले या बाद के बराबर होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है अब फिलहाल में वर्तमान में, तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि अब वर्तमान में जो रेशियो है वो इनकी आयु का कितना है, और कितने वर्ष बाद ये कितना बाद, तो बाद का रेशियो यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वर्तमान जो रेशियो है वो है 4:3। कितना है? 4:3 है। ये कह रहा है 20 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। ये रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रेशियो दिया हुआ है वर्तमान का वो दिया है 4:3, और 20 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का अंतर सेम है कि नहीं। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना है? 2:0 का। इन दोनों में कितने का है? 2:0 का। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो 2:0 होगा वो 20 वर्ष के बराबर होगा। ये 2 जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। तो हम जब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 20/2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 10। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। ठीक है,
अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि वर्तमान आयु बताइए, क्या बताइए, वर्तमान आयु बताइए। ज़्यादातर वर्तमान ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान आयु बताइए। तो अब देखिए वर्तमान कौन सा था रेशियो, ये वाला। तो इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 40 ए की, ठीक है। ये यहाँ ए है और ये आपका बी है, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये हो जाएगी आपकी 30, ये बी की आयु आ जाएगी। आपसे पूछता है कि ए की आयु कितनी है, तो 40 और बी की आयु कितनी है, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है रेशियो में, अगर आयु आपसे पूछी हो तो किस प्रकार से करना। अगर रेशियो में सेम डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम नहीं हो तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इसके साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ जो HD यादव का है, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग मेथड से हो रहा है वो क्वेश्चन, और आपको छोटे मेथड से करके मैं बताने वाला हूँ।